हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपको पिछली क्लास में जो मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था वो समझ में आया होगा, ठीक है? और उनमें अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के छोड़ सकते हैं कि भाई ये दिक्कत आ रही है सर, हमको समझाइए, फ्रैक्शन दोबारा बताइए, तो मैं दोबारा बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब अपन आज की क्लास में उन फ्रैक्शन का यूज़ करना सीखते हैं कि भाई वो फ्रैक्शन कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप अपनी कॉपी में टाइप नंबर 1 लगा लीजिए, ठीक है? और ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने हैं। टाइप नंबर 1 के बड़े बेसिक से क्वेश्चन है। मैंने जैसे आपको कहा था कि भाई अपनी करीबन 1-2 क्लासें तो परसेंटेज के बेसिक बेसिक में निकलेंगी, तो ये सिर्फ बेसिक्स के क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इनको। सबसे पहले क्वेश्चन है कि 50 का 20% क्या होता है। अब देखिए सवाल को करने का तरीका एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, 50 का कितना% निकालना है आपको? 20% निकालना है। तो अब आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो मुझे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो या फिर 20% लिख लो। 20% जैसे मैंने आपको समझाया था, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? सो 1 0 इसका कट गया, 1 0 इसका कट गया, 5 दूनी कितना आ गया? 10। तो 50 का 20% कितना निकल गया आपके पास में? 10 निकल गया। और या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 50 गुणा 20%, 20% का फ्रैक्शन याद करो, फटाफट बताएंगे क्या होता है, 1/5। तो 50 का 1/5, 5 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा? 10, तो भी 10 आंसर आएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो छोटे छोटे सवाल है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आते हैं। अभी कुछ एग्जाम के क्वेश्चन भी लेंगे अपन को कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं इनके, ठीक है? 50 का 20% यानी 50 × 20/100, ये आ गया 10 आपके पास में। और 20% का फ्रैक्शन लिखना है तो 50 × 1/5 ये कितना आ गया? 10 आ गया आपके पास में। सिमिलरली इधर देखिए, 600 का 33 1/3, तो 600, अब 33 से 1/3 का तुरंत आपको फ्रैक्शन याद आना चाहिए कि 33 से 1/3 तो याद रखना बड़ा ही था, मैंने बताया था ये होता है 1/3, तो 1/3 लिख लीजिए। 3 कटेगा 600 को कितनी बार? 200, आपके पास आंसर आ गया 200। तो 600 का 33 से 1/3% निकल गया आपके पास में 200। एकदम सिंपल सी बात है, खत्म हो गया क्वेश्चन। इधर देखिए, 1881 का 1/11 से 1/9 कितना होना चाहिए? 11 से 1/9, ये भी याद करना बहुत ईजी था क्योंकि सिर्फ 1/9 देखना होता है इसके अंदर, 1/9 है, तो यहाँ पे भी लिख लीजिए 1/9। अब बताइए बच्चों ये क्या आना चाहिए? कई बच्चों के लिए यहाँ पर आंसर 29 भी आता है, कि 9 × 2 = 18 हो गया, 9 × 81 हो गया। तो बच्चों थोड़ा सा भाग लगाना सीख लो प्लीज, अगर किसी का 29 आ रहा है तो प्लीज भाग लगाना सीख लीजिए, 9 × 2 = 18 और 9 × 81। आगे बढ़ते हैं अपने, जैसे 1200 का 6 से ही 2/3% निकालना है, तो 1200 6 से ही 2/3% का फ्रैक्शन बताइए कितना होता है? वो तो 1/15, 15 लिखा, 15 के बाड़े में कट जाएगा कितनी बार? 8 बार, 15 × 8 = 120 और 0 आ गया, तो आपके पास में मिल जाएगा 80। तो ये तो थे एकदम बेसिक सवाल टाइप नंबर 1 के, इस सवाल के सवाल पूछे जाते हैं आपसे, सिंपल पर फ्रैक्शन अप्लाई करो और आंसर निकाल लीजिए। पहले इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, उसके बाद में कुछ और सवालों के साथ में मिलता हूँ अभी आपसे। आइए बच्चों अब अपने इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। टाइप नंबर 1 के ही क्वेश्चन है, पर ये वो वाले क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो देखिए जैसा पहला क्वेश्चन रहा, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपने। सबसे पहले 1000, उसका 25%, देखो बच्चों 25% आप चाहें तो 1/4 भी लिख सकते हैं और आप चाहें 25/100 भी लिख सकते हैं, पर अपन 25/100 इसलिए लिखेंगे क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ 1000 और 1000 के 0 आराम से कट जाएंगे, इसलिए मैंने इसके नीचे 100 लिखा, इसको 25/100, इसको 1/4 नहीं लिखा। सवाल के हिसाब से तय करना है कि भाई फ्रैक्शन लगाना है कि नहीं लगाना है, 1% 1/100 और फिर 1% 1/100। तो 1000 का 25%, 1% और 1%, सॉल्व करते हैं। देखो 3 0 में 3 0 खत्म हो गए। अब आप ये देखिए नीचे कितने 0 हैं, 1 2 3, तो ऊपर भी 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ऊपर संख्याएं कितनी है देखो, ऊपर तो सिर्फ रहा 25 और नीचे 0 आ गए 3, तो इसका आंसर बनेगा 1 संख्या 2 संख्या और तीसरी संख्या आपको खुद लगानी पड़ेगी और फिर आप पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर आएगा इसका 0.025। तो अगर आपसे पूछा जाए 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होता है, तो आंसर क्या रहेगा? 0.025। होप आपको बात समझ में आ गई होगी, फ्रैक्शन भी लगा सकते थे पर सवाल को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से मतलब क्या बच्चों। चलो इधर देखते हैं, सबसे पहले
20 का 10%। अब एक बात खुद समझो बच्चों, जैसे मुझे 20 का 10% निकालना है तो कैसे लिखूंगा, 20 × 10/100, यही तो लिखूंगा। तो 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो ये कट जाएगा, और 2 एकम क्या बचेगा, 2 ही बचेगा आपके पास में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 20 का 10% दे रखा है, एक इसका 0 कट गया, एक इसका 0 कट गया, और 2 एकम 2 आ जाएगा। तो मैं इसका सीधा लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा √ का √ और 2 एकम 2 प्लस। अब इधर देखो, 20 का 40% परसेंटेज है, फिर वही बात, इसका 0 कट जाएगा, इसका 0 कट जाएगा, और बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ 2 चुके 8। या फिर अब यूं समझिए, 2 तो √ में रहेगा और 4 का √ से बाहर आ जाएगा, 0 से 0 तो कट ही जाएंगे। इधर देखो, 20 का जब 40% करोगे आप, तो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, आपके पास 1 तो बचेगा 4 और 1 बचेगा 2। तो 2 का तो √ होगा नहीं, इसलिए वो तो √ के अंदर रहेगा, लेकिन इस 4 का √ हो जाएगा, और 4 का √ क्या होता है, 2। तो √ होकर के वो इससे बाहर आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2। समझ में आई बात, ये 2 तो जो लिखा हुआ है ये तो √ के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो 4 है उसका √ हो जाएगा, और 4 का √ कितना होता है, 2, इसलिए मैंने इसको बाहर लिख लिया। सिमिलरली माइनस में आगे देखिए, 20 का 90%, जब आप 20 का 90% निकालेंगे तो फिर वही बात, 0 0 0 0 कट जाएंगे, एक आपके पास में बचेगा 2 और एक बचेगा आपके पास में 9। तो रूट में 2 तो निकलेगा नहीं, 2 का तो 2 रह गया रूट में, लेकिन 9 का √ निकल जाएगा, और 9 का √ कितना होता है बच्चों, 3। तो आपने 3 बाहर निकाल लिया। तो अब देखो बच्चों, अब आपके पास में क्या आया, इसको सोल्व करने से तो √2 मिल गया, इसको सोल्व करने से मिल गया 2√2, और इसको सोल्व करने से मिल गया 3√2। अब इधर देखो, 1√2 प्लस 2√2, टोटल कितने √2 हो गए आपके पास में, 1√2, 2 √, तो √2 प्लस 2√2, ये टोटल हो गया आपके पास में 3√2। 1√2 प्लस 2√2 कितने हो गए टोटल, 3√2, और माइनस भी कितना है आपके पास, 3√2। तो 3√2 में से 3√2 गया, कितना बच गया आपके पास में, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके पास में, 0 आएगा। दोबारा से एक बार सुन लीजिए फटाफट, कि भाई 20 का 10% गया, तो 0 0 कट गया, सिर्फ 2 बचा, 2 का √ निकलता नहीं है इसलिए रूट में रह गया। फिर 20 का 40% निकालते हैं, तो 0 और 0 तो कट जाएगा, 2 का तो √ निकलेगा नहीं, तो 2 तो √ में रह जाएगा, लेकिन 4 का √ निकल जाएगा, और 4 का √ कितना होता है, 2, इसलिए 2 को √ से बाहर लिख दिया। फिर 20 का 90% निकाला, तो 0 और 0 कट गया, 2 का √ तो निकलेगा नहीं इसलिए रूट में रह गया, 9 का √ निकल जाएगा, और बाहर वो 3 हो जाएगा। तो अब इधर देखिए, 1√2 प्लस 2√2 टोटल कितने हो गए आपके पास में, 3√2, और उसमें से भी घट क्या रहा है, 3√2 घट रहा है, तो 3√2 में से 3√2 घटेगा, तो कितना आ गया आंसर, 0 हो गया। बस इतना सा सवाल था, खत्म हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आर का आर परसेंट कैसे लिखेंगे, देखो आर बटा 100 कर दीजिए आप इसको, क्योंकि जब भी परसेंट हटेगा नीचे क्या आता है, 2 जीरो 100 आ जाता है। आर का आर परसेंट कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो आप इधर देखो, आर इंटू आर कितना हो गया, आर स्क्वायर, 100 भाग में उधर जाके गुणा कर लेगा 6400, आर इंटू आर आर स्क्वायर, और 100 उधर जाके गुणा कर लेगा, कितना हो गया 6400। मुझे निकालना है आर का मान, तो आर निकालने के लिए इधर इसका स्क्वायर हटेगा, तो उधर उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 6400 का √, 6400 का √ कितना आ जाएगा, 80। तो आपके पास में आर की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं इस वाले टाइप पर, वैसे ही क्वेश्चन एकदम, कि आर का आर परसेंट, तो आर इंटू आर बटा 100 किया बराबर 64 था, आर इंटू आर आर स्क्वायर, 100 वहां जाके गुणा कर गया, आर का रूट डा, तो 80 आंसर आ गया आपके पास में। छोटा सा क्वेश्चन था। इधर देखते हैं, इधर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू डायरेक्ट याद होगी, तभी ये सवाल थोड़ा जल्दी होगा, वरना एग्जाम में बैठे बैठे 37.5 का मान निकालते रहोगे, 6 से 2/3 का मान ढूंढते रहोगे, ये आपके लिए ही टिपिकल हो जाएगा सवाल, अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो। फ्रैक्शन याद रखो बच्चों, जो कल सिखाया था आपको, 8000 का 37.5, 37.5 का मतलब होता है 3/8, तो मैंने लिख लिया 3/8, कल लिखवा चुका हूँ मैं सारे फ्रैक्शन, आप चाहें तो देख सकते हैं। और -1200 का 6 से 2/3, 6 से 2/3 का मतलब होता है 1/15, तो इसको लिख लीजिए 1/15। 8 काटेगा इसको 1000 बार, तो 1000 × 3 हो गया 3000, माइनस 15 काटेगा, 15 × 8 = 120, इसको काटेगा कितनी बार, 80 बार। तो जब 3000 में से 80 चला गया, तो आंसर कितना बना, 2920, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस 37.5 को 3/8 रखना है,
और 6 से 2/3 को 1/15 रखना है। ये जितनी जल्दी फ्रैक्शन याद होंगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो टाइप वन के कुछ सवाल अपन ने पहले किए, कुछ सवाल में अपन ने वो डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आपको इन चारों सवालों में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है इन चारों क्वेश्चन में तो आप कमेंट में लिखकर बता दीजिए, मैं इस सवाल को दोबारा समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोर्ड से एक बार साइड पर हो जाता हूँ। आइए बच्चों टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 50 का कितना परसेंट है। ये सारे क्वेश्चन लगभग एक तरह के ही होते हैं, जैसे 60 300 का कितना परसेंट है, 30 सौ 4800 का कितना परसेंट है, 6.5 7.8 का कितना परसेंट है। तो देखिए 20 जो है 50 का कितना परसेंट है, इस सवाल को किया कैसे जाता है आपको इसमें यह देखना है कि का किसके साथ लगा हुआ है, का लगा हुआ है 50 के साथ में। तो इस सवाल में जिसके साथ भी का लगा होता है उसको अपन बट्टे के नीचे लिख देते हैं। कैसे, सबसे पहले लिखेंगे 20, किसका पूछा आपको 50 का, 50 का कितना परसेंट है, तो 50 के साथ का लगा हुआ है इसलिए 50 को बट्टे के नीचे लिख दो। और अब आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का भाग आता है, लेकिन जब परसेंटेज निकालते हैं तब अपन 100 की गुणा करते हैं। तो 20 50 का कितना परसेंट है, 20 इसके साथ का लगा हुआ है तो 50 बट्टे में, और कितना परसेंट है तो इंटू 100। अब इसको सोल्व करते हैं, 50 से कटेगा 100 दो बार, 20 दुनी 40, तो आंसर बन जाएगा आपके पास में कि 20 50 का कितना परसेंट है, आप कहोगे 40% है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि सबसे पहले लिखेंगे 20, जिसके साथ का लगा हुआ है वो नीचे लगा देंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, बस इसको सॉल्व करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, 60 300 का कितना परसेंट है, अब का किसके साथ लगा हुआ है, 300 के साथ लगा हुआ है, तो अपन लिखेंगे 60 जिसके साथ का लगा हुआ है वो बट्टे में चला जाएगा, यानी 300 बट्टे में चला जाएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, 3 60 को काटेगा कितनी बार, 20 बार, तो इस सवाल का आंसर आ गया 20%। आपसे वो पूछा जाए 60 300 का कितना परसेंट है, आपका आंसर होगा कितना परसेंट, 20% है। सिमिलरली उस सवाल की तरफ चलते हैं, सारे सवाल ये एक जैसे ही हैं। 300 4800 का कितना परसेंट है, तो 300, अब इसके साथ में का लगा हुआ है तो बट्टे में लिख दिया 4800, और इंटू कर देंगे 100 का, 2 0 ये खत्म। 3 जो है 4800 को काटता है 16 बार, तो ये आ गया आपके पास 1/16। अब देखो बच्चों, अब यहाँ दो तरीके हैं, या तो आप इस 16 को और 100 को काटते रहो जो आपको पढ़ा आता है उससे, या फिर 100 का 16 में भाग लगाते रहो, या फिर सबसे बढ़िया तरीका ये होगा आपके पास में कि आपको मैंने कल 1/16 का फ्रैक्शन लिखवाया था, जिसको 1/16 का फ्रैक्शन पता है वो सीधा कहेगा कि 1/16 का आंसर आएगा 6 से ही 1/4%, बस कोई भाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई काटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है 1/16 कितना होता है जो मैंने कल फ्रैक्शन में डिस्कस किया था, आप सीधा देख के लिख सकते हैं कि 1/16 आएगा 6 से ही 1/4%, वरना अगर ये बात नहीं आती है तो 100 में 16 का भाग लगा के देख लीजिए, यही आएगा आपके पास में वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 7.8 का कितना परसेंट है, तो हम लिखेंगे 6.5 बटे में इसके साथ का लगा हुआ है तो इसको भाग में लगा देंगे इंटू 100। देखिए इधर भी पॉइंट के बाद में एक अंक, इधर भी पॉइंट के बाद में एक अंक, तो पॉइंट ने पॉइंट को काट दिया, 13 के बाड़े से काटे तो 13 5 65, और ये आ गया 13 6 78। ठीक है दोबारा सुन लीजिए, पॉइंट ने पॉइंट को काटा, 13 5 65 और 13 6 78, 13 के बाड़े से कट गया। अब जिसको फ्रैक्शन पता है 5/6 का वो तो सीधा आंसर लगा देगा, और जिसको नहीं पता है वो पहले 5 को गुणा कराएगा फिर 6 का भाग लगाएगा, बेफिजूल का अपना 1 मिनट यहाँ खराब करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्रैक्शन क्यों जरूरी है, आपकी पेपर में स्पीड बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब जैसे 5/6 आया तो 5/6 को आप सीधा लिख सकते हैं 83 से 1/3, जिसको अगर कल के फ्रैक्शन याद है वो सीधा लिखेगा, और जिसको याद नहीं है वो प्लीज इसको बार बार देखते रहें, आप उनको देखते रहें, रटे नहीं सिर्फ देखते रहें बार 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 बार। अब जैसे 5/6 आ गया तो आपने पन्ना पलटा और देखा कि इसका फ्रैक्शन क्या है, 83 से 1/3। अब इसके बाद जब 5/6 आएगा तब आपको ये चीज़ याद रहेगी कि इस 5/6 का फ्रैक्शन मैंने 83 से 1/3 लिखा था। ये चीज़ें बार बार प्रैक्टिस से होती हैं, रटने से नहीं होगा, इनको बार बार प्रैक्टिस करें, यूज में लाएं, ये अपने आप याद हो जाएंगी आपको। तो आई होप आपको टाइप 2 के ये वाले सवाल समझ में आ गए होंगे। टाइप 2 में एक तरह के और सवाल और पूछे जाते हैं, तो
तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं उन सवालों को डिस्कस करता हूँ। मैं एक बार बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। चलो बच्चों, अब टाइप टू में हमने बाकी के जो इसका अलग से टाइप आता है वो देख लेते हैं। पिछला अपन ने सवाल करना समझ लिया था, अब ये सवाल देखिए किस तरह के आते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि 36 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है। तो है तो ये सवाल पिछले तरह का ही, क्योंकि देखो इसमें का रखा है और आपको परसेंटेज निकालनी है, तो करना अपन को वैसे ही है। बस इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ तो क्या है, सीखना अपन को ही पड़ेगा कि उस गड़बड़ को कैसे हटाई जाए। कि यहाँ तो दिया हुआ मिनट और यहाँ दिए हुए इसने घंटे। अगर आपको प्रतिशत के सवाल सॉल्व करने हैं तो या तो दोनों जगह मिनट आने चाहिए या दोनों जगह ही घंटे आने चाहिए। मतलब जो इकाई यहाँ है वही की वही इकाई यहाँ बननी चाहिए, तभी यह सवाल सॉल्व होता है, वरना इस सवाल में गड़बड़ होगी। तो पहले मुझे इस सवाल को ऐसे लिखना होगा, देखो 36 मिनट, अब 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, यहाँ पे भी मिनट है तो भी अपन को मिनट लिखना पड़ेगा। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 60 मिनट, 1 घंटे की जगह लिख लिया मैंने 60 मिनट। तो 36 मिनट 60 मिनट का कितना परसेंट है, अब क्वेश्चन ये बन गया आपके पास में। तो पिछला क्वेश्चन था वो था 36 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है, हमने घंटे को मिनट में बदल लिया क्योंकि इसकी यहाँ की इकाई और यहाँ की इकाई सेम आनी चाहिए। तो 36 मिनट 60 मिनट का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो फिर तरीका वही होगा, इसके साथ का लगा हुआ है तो ये बट्टे में जाएगा। तो 36 बटे में 60 गुणा में 100, ठीक है, 36 बटे में 60 गुणा में 100। अब इसको सोल्व करते हैं, 6 के बढ़ गया 6 बार, 36 गया 6 बार, ये आ गया 10, 10 कट गया, आपके पास आंसर कितना आ गया, 60%। तो अगर आपसे पूछा गया कि 36 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है, आपका जवाब क्या होगा, 60%। करना गया बस 1 घंटे को मिनट में बदलना है, 60 मिनट, इसके साथ का लगा है इसलिए बट्टे में चला गया। तो 36 बटा 60 × 100, और इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर कितना आ जाएगा, 60%। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन ऐसा कैसा और देखते हैं, देखो बच्चों ये 36 मिनट 1 घंटे का प्रतिशत पूछ रहा था। अब इस क्वेश्चन में देखो 36 मिनट तो है, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 1 दिन लिख दिया, 1 घंटे नहीं 1 दिन लिख दिया। तो अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, 36 मिनट मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई जो इकाई आपकी यहाँ है वही की वही इकाई आपकी यहाँ बननी चाहिए। अगर दोनों तरफ की इकाइयाँ मैच होगी तभी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 1 दिन को देखो क्या लिख सकते हैं, मुझे 1 दिन को मिनटों में बदलना है। आप मुझे बताएं पहले 1 दिन में घंटे कितने होते हैं, आप हो गए सर 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटे में मिनट कितने आ जाएंगे, 24 × 60 कितने होते हैं, 1440। तो 36 मिनट 24 × 60 मिनट का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन अब ऐसे बन गया कि 36 मिनट 1 दिन, 1 दिन को कैसे लिखा कि 1 दिन में घंटे कितने होते हैं 24, और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। तो 24 घंटे में कितने मिनट हो गए, 24 × 60 मिनट का कितना परसेंट है। तो फिर वही बात, इनके साथ का लगा हुआ है ये बट्टे में जाएगा। तो 36 बटे में 24 × 60 × प्रतिशत निकालने के लिए 100। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो 6 के बड़े से काटेंगे, ये 6 बार कट गया, ये 10 बार, और ये कट गया 4 बार। तो 4 काटेगा 100 को 25 बार, तो 25 बटा 10 आपका आंसर आ जाएगा 2.5%। ये सवाल का आंसर आ गया आपके पास में। दोबारा सुन लीजिए, 36 ऊपर था, 24 × 60 नीचे था, × 100 आ गया, मैंने पहाड़ों से काटा पीटी की, उसके बाद आंसर कितना निकाल लिया, 2.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.5%। समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल तो चलो घंटों मिनटों दिनों का था, अब उसने इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, कर सकता है वो, उसको सिर्फ इकाइयों से मतलब है। यहाँ उसने किलो दिया और यहाँ उसने क्या दे दिया, क्विंटल। अब आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किलो और क्विंटल में संबंध क्या होता है, तभी ये सवाल आपसे बन पाएगा, वरना दिक्कत होगी। तो देखो इसको कैसे बदला जाएगा, 5 किलो, अब 1 क्विंटल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं। 1 क्विंटल है तो 1 क्विंटल में याद रखोगे आप 100 किलो होते हैं। तो क्वेश्चन बन गया 5 किलो 100 किलो का कितना परसेंट है।
अब इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा आपको कि 5 किलो 100 किलो का कितना परसेंट है, इजी सा क्वेश्चन है ये। तो इसके साथ का लगाए तो ये बट्टे में जाएगा और गुणा में भी 100 आ जाएगा, 2 जीरो खत्म, आंसर कितना आ जाएगा, 5%। क्योंकि 100 पर ही मान निकालना है, 100 पर ही मान परसेंट होता है, तब हम सीधा भी कह सकते थे कि इसका आंसर 5% बनता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्वेश्चनों के टाइप देखिए, वो करता क्या है, सिर्फ इकाइयों के साथ छेड़छाड़ करता है, बाकी चीजें तो सेम ही है। जिसके साथ का लगा है उसको बट्टे में डालना है और इंटू 100 लगाना है। ठीक है, इधर इस क्वेश्चन पर आओ। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 60 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना परसेंट है। तो फिर वही बात, यहाँ सेंटीमीटर आ गया, यहाँ मीटर आ गया। अब या तो दोनों जगह सेंटीमीटर कर लो या दोनों जगह मीटर कर लो, तब आपको सेंटीमीटर और मीटर के बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो देखो हम कैसे करेंगे, 60 सेंटीमीटर, अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके पास में, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर हो गए आपके पास, 500। तो क्वेश्चन इस तरह से बन गया कि 60 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। मैंने दोनों जगह सेंटीमीटर कर लिया, 5 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लिया। अब फिर वही तरीका, इसके साथ का लगा है तो 60 बटे 500 इंटू 100 कर दीजिए, ये कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर आ जाएगा आपके पास 12%, क्योंकि 60 में 5 का भाग लग जाएगा, आंसर 12% आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चारों सवाल समझ में आए होंगे। इसमें किया कुछ नहीं है, सिर्फ इकाइयों का फेरबदल है। ये सवाल आपके लीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक लीटर, वर्ग मीटर, किसी भी इकाई में आ सकते हैं। इसके लिए आपको इकाइयों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप, फिर अपन अगले टाइप की तरफ में चलते हैं। आइए बच्चों टाइप नंबर 3 पर चलते हैं। टाइप नंबर 3 में कुछ इस तरह के बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं जैसे बोर्ड पर लिखे हुए, कि जैसे 50 को 20% ज़्यादा करना है, 20 को 30% कम करना है, 1800 को 16 से 2/3% कम करना है। तो देखो इन सवालों को कैसे करेंगे, अपने बेसिक फ्रैक्शन की नॉलेज हो तो भी इजीली हो जाते हैं, और परसेंटेज की नॉलेज हो तो भी इजीली हो जाते हैं। जैसे कि इधर देखो, 50 को 20% ज़्यादा करो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 50 लिखना है और हमें 20% बढ़ाना है इसको। तो आप काम करो, जब भी आपको बढ़ाने को बोले तो आप 100 में 20 ज़्यादा कर दिया करो। जब उसने बोला 20% ज़्यादा करो, तो पहले 100 में 20 बढ़ाओ, कितना होता है, 100 में 20 कितना होता है, 120। तो आप गुणा करा दो इसको 120 बटा 100 की। दोबारा सुन लो मेरी बात, अगर वो कहे 50 को 20% ज़्यादा करना है, तो आप 50 लिखें, 20% ज़्यादा करना है तो 100 को 20 ज़्यादा करो, 100 को 20 ज़्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, 120 बटा 100 से गुणा करा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 12 में जो कितना आ गया, 60। यानी जब आप 50 को 20% ज़्यादा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60। बस ये इस सवाल का आंसर आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था। सिमिलरली इधर देखो, 90 को 10% ज़्यादा करो, तो मैंने लिखा 90 इंटू 10% बढ़ाना है। तो फिर वही बात, आप पहले 100 को 10 बढ़ा दो, 100 को 10 बढ़ाएंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 100 प्लस 10 110, और बट्टे में 100 लगा दो, 2 जीरो कट गए, 11 9 कितना आ गया, 99। तो ये 90 को 10% ज़्यादा कर दिया अपन ने, यानी 90 को 10% बढ़ाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 99। सिमिलरली इधर देखें, 20 को 30% घटाओ, कम करना है इस बार आपको। तो आप इधर सोचो कि जब बढ़ाना था तो मैंने आपको ये नंबर किस में जुड़वाए थे, 100 में जुड़वाए थे, ऐड करवाए थे। अब अगर मुझे घटाना है तो क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है 100 में से नंबर कम करवाऊंगा आपसे मैं। तो आप ऐसे लिखेंगे 20 इंटू, अब गुणा किसे करानी चाहिए आपको, क्योंकि अगर मुझे 30 कम करना है तो पहले 100 में से 30 कम करो, 100 में से 30 कम करो कितना आता है, 70, तो 70 बटा 100 कर दो। दोबारा सुन लो, बढ़ाना होता है तो 100 में जोड़ देते हैं उस नंबर को, और अगर घटाना है तो जैसे 30 घटाना है तो 100 में से 30 घटा दो, कितना आ गया, 70, तो 70 बटा 100 से गुणा करा दो, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया आपके पास, आंसर कितना हो गया, 14। तो जब 20 को 30% घटाया आंसर कितना बन गया, 14। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब अपन को बढ़ाना होता है तो 100 में 20 जोड़ के सीधा 120 बटा 100 से गुणा करा दिया, 10% बढ़ाना था 100 में 10 जोड़ दिया 110 बटा 100 से गुणा करा दिया, और 30 कम करना है तो 100 में से 30 कम करके लिख दिया, यानी 70 बटा 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आंसर आ गया आपका। अब उस तरफ चलते हैं, इस तरफ तो सिंपल परसेंटेज थे 20 10 30, इधर जो है वो सारी फ्रैक्शंस है, 12.5 33 1/3 16 से 2/3। तो इन क्वेश्चन में कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे वो भी आप देख लीजिए फटाफट। सबसे पहले
आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन को करना है तो अगर आपको फ्रैक्शन याद होंगे तभी ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन पाएंगे। जैसे अगर आपको 12.5 का फ्रैक्शन याद है तो 12.5 को हम कहते हैं 1/8। ये मैंने आपको कल बताया था कि 12.5 को कहा जाता है 1/8। अब देखो मुझसे क्या पूछा है, 800 को 12.5 बढ़ाना है, तो मैं लिखूंगा 800 इंटू कितना बढ़ाना है, 12.5 बढ़ाना है। तो 12.5 का फ्रैक्शन कितना है, 1/8। अब समझो आपको क्या लिखना है, अगर बढ़ाने को बोले तो 8 में ऊपर वाला नंबर बढ़ा दो, 8 में ऊपर वाला नंबर क्या है, 1। तो अगर 8 में 1 बढ़ा दूंगा तो कितना हो गया, 9। तो यहां लिख दो 9 और ये बटे वाला 8 वापस लिख दीजिए। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात, हमको क्या करना था, बढ़ाना था, तो 8 में 1 बढ़ा दिया, 8 और कितना हो गया, 9, और ये नीचे वाला नंबर एज इट इज लिख लेंगे 8। अब इसको सोल्व कर लो बस, 8 ने 800 को काटा 100 बार और 100 × 9 कितना आ गया, 900। ये आपका आंसर आ गया कि अगर 800 को 12.5% बढ़ाना है तो 800 लिखेंगे, 12.5 माने 1/8 होता है, अगर बढ़ाना है तो 8 में 1 बढ़ा दो कितना हो गया, 9, और 8 लिख लो, आंसर कितना आ गया, 900। सिमिलरली इधर देखो, 1500 को 33 से ही 1/3 कम करना है, तो आपको पहले फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, 33 से 1/3 होता कितना है, ये होता है 1/3, यानी 1500 को 1/3 कम करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1500 इंटू, अब क्या करना है देखो, कम, तो अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले में से ऊपर वाला नंबर कम कर देंगे, उसमें बढ़ाया था क्योंकि बढ़ाना था, इसमें आप कम कर देंगे, तो 3 में से 1 कम करो कितना आता है, 2, तो यहां लिख लो 2 और बटे वाला नंबर एज इट इज लिख लो 3। 33 से 1/3 यानी 1/3 कम करना है, तो 3 में से 1 कम कर दो 2, और 3 का 3 एज इट इज लिख लो, तो 3 काटेगा इसको 500 बार और 500 × 2 हो जाएंगे आपके पास में 1000। तो 1500 को जब 33 से 1/3% कम करेंगे तो वो कितना आ जाता है, 1000। सिमिलरली इधर देख लीजिए, 1800 को 16 से ही 2/3% कम करना है, तो 16 से ही 2/3% को कहते हैं अपने 1/6। आपको जितनी जल्दी फ्रैक्शन याद होंगे उतनी जल्दी ये सवाल बन पाएंगे आपसे, पर अभी भी मुझे क्या करना है, कम करना है, तो मैं लिखूंगा 1800 इंटू, अब कम करना है तो 6 में 1 कम कर दो, 6 में 1 कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5/6 लिख लो, 6 कटेगा इसको 300 बार और 300 × 5 कितना हो गया, 1500। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको बढ़ाना घटाना समझ में आया होगा कि कैसे इन परसेंटेज के साथ और कैसे इन फ्रैक्शन के साथ बढ़ाने या घटाने में डील करते हैं। अगर बढ़ाने की बात करें तो नीचे वाले में ऊपर वाला नंबर वो जोड़ना होता है, 8 में 1 जोड़ा 9 आ गया, 8 लिख लिया। कम करने की बात आ गई तो 3 में से कम कर लिया, 2 लिख लिया और बटे वाला नंबर एज इट इज लिख लिया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के नेक्स्ट क्लास टाइप की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ अपने इस चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।